के करीबियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। सांसद संजय सिंह ने किया दावा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि उनके करीबियों और स्टाफ के ठिकानों पर ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। बता दें कि सांसद संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर गए हैं। अपने करीबियों के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी की दादागिरी चरम पर है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह के करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। संजय सिंह का दावा है कि उनके करीबियों के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। संजय सिंह के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया है। उसके बाद से आप नेता के ट्वीट को लेकर सियासी चर्चा का बाजार भी गर्म है और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। अहम बात तो यह है कि जिस समय संजय सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की, उस समय वो दिल्ली से बाहर हैं। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।